गए, किसी के पीछे भाग के नहीं गए, हमारी मर्जी से गए। हाँ, कुछ मोहल्लों वालों की परमिशन लेके नहीं गए, शायद इसकी तकलीफ है उन्हें। आप प्लीज। नहीं, क्यों आग लगाने आ जाता है ये बार बार? पायल, आग से तुम खेल रही हो, मैं नहीं। Just get lost from here. दफा हो जाओ यहाँ से। तू शायद उस लड़की को पाले, लेकिन इस सौदे में तूने अपनी जन्नत गवा दी यार। Hey, you. It's critical. He has a very bad head injury. हेलो भाई, क्या हुआ? तुम्हारा फोन आया था? हाँ, बस वैसे ही किया था निदा। ऐसे ही तो तुमने मुझे कभी फोन नहीं किया। क्या बात है, सब खैरियत? अली भाई ने कुछ कर तो नहीं दिया? नहीं, बस मुझे याद आ रही थी सब लोगों की, इसलिए मैंने कॉल किया। अच्छा, अब तो हमें भी भाई के साथ गुजारे हुए वक्त बहुत याद आते हैं। आई नो निधा, अली के यहाँ आ जाने से तुम लोगों पे क्या बीत रही है मैं सब समझती हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने अली को कभी यहाँ नहीं बुलाया। मैंने बहुत मना किया था, इनकार किया था, उसके बावजूद वो यहाँ आ गया। वजह जो भी हो पाए, सच तो ये है कि तुम्हारे लिए अली भाई ने हम सबको छोड़ दिया। अम्मी तो ऐसे ही, जैसे वो जिंदा रहना ही नहीं चाहती। मेरे जितने भी रिश्ते आ रहे थे सब ने मना कर दिया। सबको पता चल गया है कि इस घर का लड़का भागा है। क्या? हाँ पायल, अगर अली भाई नहीं देख पा रहे तो तुम उनकी आंखें बंद करो। अम्मी के लिए उन्हें वापस भेज दो। मैं कैसे बताऊं निधा तुम्हें? मैं समझती हूँ पायल, इसलिए मैंने तुम्हें कभी कसूरवार नहीं समझा। पेपर मेरा डेथ वारंट है, उसको तो मैं किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या? आंसू बीजे फसल उठाई, ख्वाबों देखी आंख जगाई, इश्क की नीयत बांधी जब से, कुल आलम की बेपरवाही, इश्क है ऐसा ज्ञान, इश्क अलिफ की जान निभाए, इश्क अलिफ की जान निकले कैसे, जान निभाए, इश्क अलिफ की बार। क्या करने आए हो तुम यहाँ? फाइल वो मैं। कितने गुंडे लाए हो अपने साथ पेपर एविडेंस के लिए? See, I know, I did something wrong. तुम इतने जहरीले हो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। प्रेम में जहर है ना? तो हाँ, यस, जहर से भरा हूँ मैं। Stop this crap.
चले जाओ यहाँ से। मॉम आ जाएंगी ना, पुलिस को बुला लेंगी। जाओ। I'll just want कि वो पेपर तुम फाड़ दो। मेरे पास नहीं है, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में है वो पेपर। What? हाँ, मेरे पास सिर्फ स्नैप है। तो अब क्या होगा? I mean, अली के बचने की प्रार्थना करो अब। Blackmailing me? No, I'm just informing you. Look, Payal, अगर मुझे कुछ हुआ ना, नीता 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 नीता, फोन आया था किसी का? क्या हो गया अम्मी? वो उनकी घंटी बज रही थी। किसी का फोन नहीं आया, आपके ख्वाब में बज रहा होगा फोन। अच्छा, पायल का फोन आया था। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना। अरे तेरा इंतजार। राहुल, क्यों बार बार मुझे फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हो तुम? व्हाट्स द प्रॉब्लम? दरवाजा तो खोलो, बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है? क्या हरकत की है तुमने? Can I come in? No, this is my house. अंदर आने की अभी मैंने तुम्हें इजाजत नहीं दी। मेरी बात समझने की कोशिश तो करो एटलीस्ट। कौन सी बात समझने की कोशिश करूं? तुम्हें पता है अली के 30% से लेस चांसेस है सर्वाइवल के, उसका ऑपरेशन होना होगा। तुम्हारा हैंड रिटन नोट तुम्हारे गुंडों ने उसके मुंह में ठूस के डाला था। हाँ, दिस इज इनफ एविडेंस अगेंस्ट यू। अरे आंटी, मैंने इंटेंशनली थोड़ी किया ये, और ना ही खुद ही किया, करवाया किसी से। उनको तो मैंने सिर्फ यही बोला था कि उसको हल्का फुल्का पीट देना बस। एक तो अली यहाँ आ गया, ऊपर से तुमने ये हरकत कर दी। हम तुमसे पहले बर्बाद हो चुके हैं, इसीलिए तो आया हूँ आंटी। वो उस पेपर को डिस्ट्रॉय कराओ, वो एविडेंस, उसको डिस्ट्रॉय कराओ, नहीं तो मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। किसने इजाजत दी थी इस हद तक जाने की? हाँ बोलो, तुम्हारी कोई दुश्मनी है इस अली से? अली से दुश्मनी नहीं थी आंटी, लेकिन पायल से ताल्लुक। I know I've done wrong, but ये सब कुछ मैंने पायल के लिए किया। आह,
पायल से लिखी है। पायल ने तुमसे ये मदद मांगी थी क्या? उसने कहा था कि मर्डर अटेम्प्ट करो तुम। आंटी प्लीज पायल को रोको, वो बहुत अजीब से मेंटल स्टेट में है, वो पुलिस को वो पेपर दे देगा तो बहुत। अरे यहाँ आने के बजाय ना तुम भगवान से प्रार्थना करो कि तुम बच जाओ। हाँ तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जस्ट फॉरगेट पायल। कांट फॉरगेट पायल, ये बात इतनी इसलिए बड़ी क्योंकि आई लव हर। प्लीज हाँ, यू नो आई हेट दिस वर्ड, आई हेट द वर्ड लव, मेरे सामने मत बोला करो। इसलिए तो आज तक नहीं बोला मैं। तुम प्लीज आप उसको समझाओ, वो पेपर डिस्ट्रॉय कर दो प्लीज। मैं अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, तुमने ये सब किया है, यू हैव टू फेस इट ऑन योर ओन नाउ। हाँ तो ठीक है आंटी, वो पेपर मेरा डेथ वारंट है, उसको तो मैं किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या? क्या हुआ अम्मू? आप फिर वही बातें सोच रहे? ये सौदा कहाँ से आया? भाई बाजार से लाए हैं, और कहाँ से लाएंगे? तुम बताओ इरफान, कहाँ से आई ये? मेरा ख्याल है आंटी, वो शायद अली ने ऑफिस फोन कर दिया था। मैंने मना किया था ना, उसकी कमाई का जर्रा भी हराम है मुझ पर। मम्मी अली भाई के कारोबार में आपका और मेरा दोनों का हिस्सा। कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उस शख्स से, अजनबी है वो मेरे लिए। आंटी माँ नाराज भी हो? नहीं हूँ मैं उसकी माँ, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उससे। ले जाइए सब कुछ, ले जाइए मुझे, मैं भूख से मर जाऊंगी, लेकिन उस बदबख्त की कमाई का कुछ नहीं खाऊंगी मैं। चाहिए सब कुछ। ठीक है आंटी, आप टेंशन मत ले, मैं वापस ले जाता हूँ सब कुछ प्लीज। हाँ सब ले जाओ, ये सब कुछ ले जाए। ऐसा करें मैं आपको कुछ बेचने के लिए भी दे देती हूँ, वो भी ले जाइएगा। एक मिनट निदा, ये इसे भी बेच दे, अब घर में कुछ नहीं है खाने को। नहीं निदा प्लीज, ये बेचने बाचने वाली बातें ना करो, मैं अपने पैसों में से जमा करा देता हूँ लेके अकाउंट में, प्लीज आप ये रखें। नहीं इरफान भाई, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, कब तक करेंगे आप हमारे लिए? इंसान को तो रोज भूख लगती है। नहीं बेटा, हम दोनों तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं। आंटी मगर बस बेटा, जो कुछ तुम कर रहे हो तुम्हारा वही एहसान बहुत है हम पर। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है इरफान भाई, आखिर कब तक करेंगे सब कुछ हमारे लिए? इंसान को तो रोज भूख लगती है, बस ये जाके बेच दे। निदा प्लीज ये मत करो। कैसा ना करूं, ऐसा ही होना चाहिए। तो जूरी भाई ने मुझे बीए करने पर दी थी, लेकिन मुझे उनका कुछ नहीं चाहिए, सब बेच दे। ऐसा करें ये सारा सामान बेच दे, सब उनके पैसों का ही तो आया है, खाली कर दे ये घर। प्लीज मेरी बात मान ले आंटी, ये रिस्क है, इस तरह वापस करना ठीक नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ, मैं अली के ऑफिस में पैसे जमा करवा दूंगा। और आंटी अली की वापसी के लिए दरवाजा खुला रखिएगा, मुझे यकीन है वो वापस जरूर आएगा।
पायल, 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 बेबी, तुम यहाँ बैठी हुई हो? अरे, मामा, अली बच जाएगा ना? बेबी, तुम्हारे रोने से अली ठीक नहीं हो जाएगा। मामा, उसके घर वाले मुझे बार-बार पूछ रहे हैं उसका। तुम्हारी बात हो गई उनसे? हाँ, नीता, इस आसन सो मेनी क्वेश्चंस, क्या बताऊँ? तो सच बोलो, टेल देम उसका एक्सीडेंट हुआ है। आप मुझे झूठ बोलना सिखा रही हैं? अरे, तुम इस गिल्ट से क्यों नहीं निकल रही? इट्स नॉट योर फॉल्ट। वो खुद इधर आया, उसका एक्सीडेंट हुआ, ये तो सब राहुल की गलती है ना, तुम्हारी गलती थोड़ी है। क्यों ताल्लुक नहीं है? अली मेरी वजह से यहाँ आया था, राहुल ने मेरी वजह से उसको मारा है। ओके, तो तुम उन्हें सच बता दो। हाँ, लेकिन अली की कंडीशन इससे इम्प्रूव नहीं होगी। हम आप वाकई चाहती हैं कि वो बच जाए? बेबी, ह्यूमैनिटेरियन रीजन से मैं नहीं चाहूंगी, इंसानियत भी कोई चीज होती है ना। कितना आसान है आपके लिए ये कहना, बिकॉज यू हेट हिम ना। पायल, अली इज अ स्ट्रेंजर टू मी, मेरे लिए वो अजनबी है और हमेशा अजनबी रहेगा। फिर भी मैं उसका इलाज करवा रही हूँ, आई एम टेकिंग केयर ऑफ हिम, उसके सारे खर्चे उठा रही हूँ। 2 दिन में उसकी सर्जरी हो जाएगी, आफ्टर दैट वी नो ना कि क्या कंडीशन है उसका। बेबी, इन सब बातों पे वक्त बर्बाद करने के बजाय ना, बेस्ट है कि तुम उसकी फैमिली को फोन करके बता दो, ही इज वेरी क्रिटिकल, हिज सर्जरी इज इम्पोर्टेंट। अदरवाइज नंबर मुझे दे दो, मैं फोन करके बोल देती हूँ। मामा, मैं खुद बता दूंगी, आप कॉल मत करिएगा प्लीज। ओके, बट डोंट वेस्ट टाइम, हां, इट विल गेट टू लेट, समझ रही हो तुम? ओके, गुड गर्ल। बर्बाद करे खुदा तुझे अली, इस दिन के लिए पैदा किया था तुझे, खुदा तुझे बर्बाद करे। नहीं भाई, लेकिन बात क्या है बता तो दो। मैं कैसे बताऊं? खैर है पायल, वैसे भी हमें बुरी खबरों की आदत हो चुकी है। नीता, मिस्टर अली। क्या हुआ अली भाई? हेलो निजा, प्लीज वो चूड़ी उठाकर पहन लेना वापस। पता नहीं किस इम्तिहान में आ गए हम। अल्लाह अपने नेक मंदों से इम्तिहान लेता है। तुम अगर इस वक्त हिम्मत हार दोगे, आंटी को कौन संभालेगा? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? कोई भी मुसीबत अकेले नहीं आती निजा, कब से ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं अली का फोन बंद मिल रहा है। प्लीज प्लीज अली भाई को बताएं कि उनकी वजह से हमारा घर बिखर रहा है, उनसे कहें आके इसे बचाने। प्लीज, तुम्हारी पायल से बात होती रहती है ना यार, तुम उससे खुलकर बात करो, शायद उसकी बात सुनकर असर हो जाए। और आंटी को मैं संभाल लूंगा, सौदे के पैसे मैंने अली के ऑफिस में वापस जमा करवा दिए, और तुम भी प्लीज नॉर्मल बिहेव करना। ओके जी, बेहतर ठीक है, बाद में बात होती है आपसे। ओके, नाफिस। नाफिस। मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ। वो आया तो नहीं इधर? किधर हो तुम? हाँ पायल, बेटा तुम एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए ना किसी दोस्त के घर चले जाओ। हम कहीं नहीं जाना मुझे। डार्लिंग, उसे एविडेंस चाहिए, वो पेपर जो तुम्हारे पास है वो लेने के लिए कुछ भी करेगा। ये वो कुछ नहीं कर सकता, जो करना था उसने कर लिया, मुझ पे हाथ नहीं उठा सकता वो। जो आदमी गुंडों को हायर करके मर्डर करने की कोशिश कर सकता है, ही कैन डू एनीथिंग।
किया? ये सब राहुल ने किया अली के साथ? हाँ, एक काम करते हैं, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें पारो के घर छोड़ देती हूँ। हाँ, मैं पारो आंटी के साथ कितने दिन और रहूंगी? अरे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज, दिस विल ऑल डाई डाउन। उस वक्त अली की सर्जरी भी हो जाएगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अली मुझे यहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है और करेगा। अली के होते हुए राहुल यहाँ नहीं आ सकता। पागल हो गई हो तुम? मॉम, आप टेंशन मत लें, मत परेशान हो, वो सिर्फ धमकियां दे रहा है, इसको सच नहीं कर सकेगा वो। इस वक्त सिर्फ अली का ख्याल रखें, उसकी जिंदगी बचाने से बढ़कर और कुछ नहीं हमारे लिए अभी। पायल, ओह माय गॉड, बोलो। निदा, तुम घर पे हो? हाँ। अपने कमरे में हो तुम? बोलो पायल, क्या बात? निदा, तुम्हारे साथ तुम्हारी अम्मी तो नहीं है? नहीं पायल, लेकिन बात क्या है बता तो दो। मैं कैसे बताऊं? खैर है पायल, वैसे भी हमें बुरी खबरों की आदत हो चुकी है। निधा, मिस्टर अली। क्या हुआ अली भाई को? उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? नहीं, क्या किया तुम लोगों ने मेरे भाई के साथ? निधा, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। पायल, कि तुम क्या कह रही हो? कोमे में है वो, ब्रेन सर्जरी है उनकी, प्लीज दुआ करना। निदा, हेलो, सब होश क्यों नहीं आ रहा है? वो जाहिर परेशानी की कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल में कोई स्ट्रेस या शॉक है इनको। तो कब तक आ जाएगा वो? ये जल्द होश में आ जाएंगी, आप परेशान ना हो। मैंने खुद उनको रिलैक्सेंट दिए, बस आप इन्हें जरा स्ट्रेस से दूर रखें। थैंक यू। आंटी, ठीक है ना? आंटी ठीक है, ऊपर बैठे, प्लीज आ जाए। आप ठीक है ना आंटी? आंटी आप ठीक तो है ना? नेता बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बस कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। तुम नेक बंदे हो, बस खुदा से दुआ करो कि वो हम दोनों को उठा ले। आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने आपसे कहा ना नेता बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे।
दुआ करो खुदा हमें मौत दे दे। मैं तो सिर्फ आपकी वजह से यहाँ परेशानी में, वो फोन ही नहीं उठा रही थी। हाय मेरी नीता बच्ची, पर बात करे खुदा तुझे अली, इस दिन के लिए पैदा किया था तुझे, खुदा तुझे बर्बाद करे। आंटी ये वक्त दुआओं का है, पर दुआओं का नहीं। और माँ की दुआ तो तकदीर बदल देती है। मेरी हस्ती मुस्कुराती बेटी, कैसे क्या हो गए? कुछ नहीं हुआ आंटी, कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, बस स्ट्रेस की वजह से फेंट हो गई थी और कुछ नहीं हुआ। मैं अभी उसको ले आता हूँ हॉस्पिटल से, आप चले मेरे साथ अंदर, मैं आपको लेटा दूँ। आए आ जाए। भाई के साथ पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा, मार दिया उन्हें पायल ने, आप प्लीज पता करें प्लीज। क्या फजूल बातें सोच रही हो, संभालो खुद को निदा, कुछ नहीं होगा ऐसा। अगर भाई को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे हम? आप मुझे भिजवा दे, मैं भाई को लेके आऊंगी। देखो निदा, आंटी की हालत ठीक नहीं है, इस साल में अगर उन्हें अली के एक्सीडेंट का पता चल गया तो खुदा ना खास्ता। आप प्लीज भाई को फोन करें प्लीज, मेरे लिए एक दफा जस्ट प्लीज। मेरे पास नंबर नहीं है पायल का निदा। मेरे पास नंबर, मैं आपको दूंगी उसका नंबर प्लीज। अच्छा हम बाद में कॉल कर लेंगे ना, अभी इस बात का ध्यान रखो कि आंटी को नहीं पता चलना चाहिए इस बारे में किसी भी हाल में। फोन क्यों नहीं मिल रहा? कुछ हो तो नहीं गया? खुदा को मानो यार, कभी तो पॉजिटिव सोच लिया करो यार, कुछ नहीं होगा। फिर ट्राई करती हूँ शायद कुछ हो जाए। मिल गया। हेलो पायल, पायल हेलो, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं निदा, बस इतना यकीन कर लो कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। क्या मेरे भाई जिंदा है ना? हाँ जिंदा है, ऑपरेशन चल रहा है। क्या हुआ है मेरे भाई को, क्यों हो रहा है ऑपरेशन? उनको बचाने के लिए ऑपरेशन हो रहा है निदा, हेड इंजरी हुई है। कैसे हुई हेड इंजरी, कैसे हुआ एक्सीडेंट? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी बाद में, इस वक्त सिर्फ दुआ करो, दुआ चाहिए उसको। क्या मैं सब बता दूंगी, मुझे अभी बताओ निदा, मुझे अभी बताओ वरना मैं वहां पहुंच के तुमसे पूछूंगी। निदा मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स। नो यू कांट अंडरस्टैंड पायल, तुम सिर्फ एक तमाशाई हो। प्लीज फॉर गॉड्स सेक, मेरा भाई मुझे वापस कर दो, हम उनके बगैर मर जाएंगे। प्लीज ठीक होकर आ गई।
बैठो। वैसे आंटी आप दुआ करें कि अली भी खैर खैरियत से घर आ जाए। औलाद का दुख मौत की तरह होता है। मैं आप दुआ करें ना भाई के लिए। आपकी दुआ तो हमेशा पूरी होती है ना। दुआ करें कि वो सही सलामत वापस घर आ जाए। दुआ के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। आप आखिरी सहारा है दुआ। भाई खैर से आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं जरा निदा की दवाई ले आऊँ। कुछ चाहिए तो नहीं आपके वजह से? नहीं मुझे दवाई नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। बस अम्मी अब भाई को माफ कर दे प्लीज, प्लीज उन्हें माफ कर दे। अच्छा आंटी आप आराम करें, मैं चलता हूँ दवाइयाँ ले आऊँ निदा की। निदा जरा मेरी बात सुनो। प्लीज संभालो खुद को। कैसे संभालूं खुद को? मैं क्या पता भाई के साथ वहां क्या हो रहा है। कुछ नहीं पता हमें, कुछ भी नहीं। मैं पता लगा लूंगा यार, तुम फिक्र मत करो। पर इस वक्त तुम मम्मी का हाल ख्याल रखो यार। अब और दुख नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी। मुझे नहीं लगा। मैं कह रहा हूं ना सब ठीक हो जाएगा, बस तुम मम्मी का ख्याल रखो। तुम ऐसा करो मुझे पायल का नंबर दो, मैं करता हूँ। मैं दवाइयाँ लेके आता हूँ, तुम अम्मी के पास रहना। ओके नंबर SMS कर दो मुझे। उसको कुछ हुआ है क्या? बिना पागल है कुछ भी कहती है। कह रही थी कि भाई को ऑपरेशन है। मैं जानती हूँ भाई को कुछ नहीं। आप क्यों उठे हैं? तुम ऐसे कुछ छुपा रही हो, क्या बात है? नहीं बस जी भरा है। क्यों रो रही हो तुम? कुछ नहीं बस भाई की बहुत याद आ रही। निदा उसे भूलने की आदत डालो। क्यों भूलूं? कैसे भूलूं मैं अपने भाई को? मैं जानती हूं बस एक दो दिन में वापस आ जाएंगे, वो मुझे अकेला छोड़ कर नहीं जा सकते। उसको कुछ हुआ है क्या? नहीं तो आयन बिना पागल है कुछ भी कहती है। कह रही थी कि भाई को ऑपरेशन है। मैं जानती हूँ भाई को कुछ नहीं हुआ। सर्जरी आप तो दुआ करेंगे ना भाई के लिए। मैं जानती हूँ लम्बी आपकी दुआएं सुनते हैं। वो मेरे भाई की जान बाकी देंगे भी। आप लम्बी से दुआ करें ना कि वो मेरे भाई को बचा। आप करेंगी तो दुआ? भाई की जान खतरे में, मैं नहीं जी सकती अपने भाई के बगैर। अम्मी प्लीज प्लीज अम्मी प्लीज।
Don't chase me, Rahul. I'm not chasing you. Fine, listen. मैं तो उसको मना कर रहा था, यकीन करें। मम्मी, मैंने क्या गुनाह कर दिया है? अपने मरते हुए भाई के पास जाना गुनाह है, इसलिए क्योंकि आप उनसे नफरत करती हैं। तुम्हारी वजह से अली मौत की लड़ाई लड़ रही और उसकी माँ पैरालाइज होके हॉस्पिटल पहुंच गई है। दो लोग मरेंगे तुम्हारी वजह से। अम्मी, अम्मी रुके, अम्मी प्लीज, अम्मी, अम्मी, अम्मी।